इस कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बोले तो डिस्ट्रक्शन, बिकॉज इफ यू हैव गॉट ड्रीम्स दिस थिंग विल डिस्ट्रॉय देम। देयर इज अ सेइंग डिस्ट्रैक्शन इज लाइक अ पैरासाइट, इफ यू डोंट किल डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन विल किल योर ड्रीम्स। एंड आई डोंट वांट दिस। इफ आई टॉक अबाउट माय ड्रीम, दिस इज माय ड्रीम, माय कैमरा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अब जब ये मेरे पास है तो मैं नहीं चाहता कि कोई डिस्ट्रैक्शन नामी चीज इसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे लगाकर चला जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरी अपनी गलती होगी एंड द ओनली थिंग टू स्टॉप दिस इज टू स्टार्ट फोकसिंग। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं बहुत ज्यादा रैप सुनता हूँ एंड द ओनली थिंग विच कैन टुक मी आउट ऑफ इट इज रैप इटसेल्फ। अदर देन दिस डिस्ट्रैक्शन देर आर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड अ लॉट। And the only key to overcome all these distractions is to create something more meaningful to you other than these distractions. मैं भी ठहरा इंसान, मैं भी सोचता हूँ कि यार 5 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से क्या हो जाएगा, सिर्फ पाँच मिनट ही तो हैं। The only thing I know कि वो 5 मिनट नहीं है। And if I started scrolling Instagram, going through all the stories, looking for all the stuff around, मेरे इंटेलेक्ट पर घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर यही 5 मिनट जो कि आगे जाकर एक घंटा बन जाएंगे, अगर यही 5 मिनट में किसी बुक रीडिंग या किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा दूं या इन्वेस्ट कर दूं, तो थोड़ा बोर ज़रूर हो जाऊंगा, लेकिन टाइम है, गुजर जाएगा। तो टाइम आपके अंदर से गुजरे या आप टाइम के, ये खुद डिसाइड कर लेना। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर प्रिवेंटिंग दीज डिस्ट्रैक्शन इज टू स्टार्ट कीपिंग चेक अपॉन योर सेल्फ। कोई काम करने से पहले हम सोचते नहीं, क्योंकि हमारी नज़र में उन चीज़ों का बहुत माइनर सा इम्पैक्ट होता है, हालांकि उसका हमारे ऊपर और हमारे टाइम के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जिस तरह की चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं या देख रहे हैं, इंस्टाग्राम जिस मर्जी तरह का स्क्रॉल कर रहे हैं, जो हमारी फीड है, एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे अंदर ट्रांसमिट आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी, जो कि लॉन्ग रन में इम्पैक्ट ज़रूर करेगी। सो यू हैव टू कीप चेक अप ऑन योरसेल्फ। अब चाहे वो इंस्टाग्राम, नींद, जिस मर्जी चीज़ पर हो, बस चेक हो। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्यों, आखिर क्या कोई यान पड़ी है कि हम इन सारी चीज़ों को तर्क करके 100% प्रोडक्टिविटी की तरफ चले जाएं, आखिर क्यों? तो जिगर मेरी बात सुनो, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक अ स्टेप फॉर योरसेल्फ। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट टेकिंग लिटिल स्टेप्स, रादर बेबी स्टेप्स टूवर्ड योर ड्रीम, योर गोल। जिस तरह अंजुम ने कहा है ना कि मैंने देखा है ख्वाब एक कि मैं मर गया, ना दे पुटिंग मी उन शर्ट्स, शर्ट्स को निकालो, मर गया को निकालो, बस मैंने देखा है ख्वाब एक। यहाँ पे तुम इस वीडियो का तुम माइक ड्रॉप कर दो, बस माइक ड्रॉप है यहाँ पे। माइक किधर है भाई?